हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जो एलजी टीवी का फॉल्ट है, जो हमारा टीवी पे रिट स्क्रीन आ रहा है, हाफ स्क्रीन ब्राइट है, हाफ स्क्रीन लो है, ब्लैक है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं इसका क्या क्या फॉल्ट होता है, फिर चेक करते हैं क्या क्या फॉल्ट निकलता है। दोस्तों हमारा ये जो फॉल्ट है, जो रिट स्क्रीन हो जाता है हमारा स्क्रीन पे, उसका प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है हमारा 20 वोल्ट जो होता है आउटपुट निक के लिए, वो इससे उसी के लिए हमारा ये प्रॉब्लम होता है। 200 वोल्ट जो मिसिंग हो जाता है, तो इसी के तरह से प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों ये फॉल्ट और एक तरह से अलग है, जो हमारा हाफ स्क्रीन ब्लैक हाफ स्क्रीन ब्राइट होके आ रहा है, इसीलिए हम लोग चेक करेंगे। पहले तो हम लोग चेक करेंगे वो 200 वोल्ट, फिर चेक करेंगे आधा साइड। ठीक है दोस्तों, चलो चेक करते हैं। दोस्तों पहले तो चेक करेंगे हमारा निक पे, ये वाला जो निक पे जो 200 वोल्ट होता है, ये वाला पिन हमारा वो 200 वोल्ट जो आता है वो देख चेक करेंगे मीटर पे। हम लोग देख सकते हैं मीटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब हमारा जो ESD से आउटपुट होता है वो वोल्टेज हमारा निक पे नहीं आ रहा है। और दोस्तों और एक चेक करेंगे हमारा जो आउटपुट जो 200 वोल्ट होता है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 200 वोल्ट जो आउटपुट होता है ESD से, एक रेजिस्टेंस होके, एक डायोड होके और एक रेजिस्टेंस भाया होके 200 वोल्ट निकलता है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर फिल्टर होता है। यहाँ पे चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी कोई वोल्टेज हमारा नहीं है, मतलब दोस्तों हमारा ESD से कोई वोल्टेज तैयार नहीं हो रहा है। उसके पहले हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस से चेक करेंगे तो दोस्तों देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब हमारा बीच डायोड से ऊपर से कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये रेजिस्टेंस फॉल्ट हो सकता है, ये डायोड फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, चेक करेंगे फिर बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों मैंने ये वाला रेजिस्टेंट जो होता है, ये वाला रेजिस्टेंट ये चेक किया है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही तरह से काम कर रहा है। ये वाला जो डायोड होता है वो खोल के भी मापा था मैंने, वो डायोड भी सही है, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम होता है। दोस्तों हमारा ये वाला रेजिस्टेंस से होके निकल के वोल्टेज निकल के हमारा 200 वोल्ट निकल तैयार करता है, और यहाँ पे जो डायोड देख सकते हैं आप लोग, ये डायोड भाया होके, ये कैपेसिटर भाया होके हमारा वोल्टेज तैयार होता है ये 200 वोल्ट के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने जब देखा तो ये वाला फिल्टर हमारा ओपन हुआ है, ये देख सकते हैं, ये हमारा कैपेसिटर जो फिल्टर होता है वो यहाँ पे रास्ट पड़ के यहाँ पे आउट हो गया है। इसीलिए हमारा 200 वोल्ट जो फिल्टर करके जो वोल्टेज स्टॉक करता है, ये वोल्टेज स्टॉक नहीं कर सकता है, इसीलिए ये वाला जो कैपेसिटर है इसको निकाल के मैं नया वाला कैपेसिटर लगा लूँगा और चेक करेंगे वोल्टेज हमारा कैसा हुआ। दोस्तों मैंने तो ये वाला कैपेसिटर चेंज करूँगा, उसके पहले और एक फॉल्ट हो सकता है, वो जो हाफ स्क्रीन का प्रॉब्लम होता हो रहा है, उसके लिए मैंने इसका प्रॉब्लम जो होता है, ये वाला जो PF है ये ओपन हुआ है, जो हमारा 103 वोल्ट 103 का जो PF होता है, और 122 यहाँ पे दिया गया है, ये जो PF है ये राश पढ़ के ओपन हो गया है, इसीलिए हमारा स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है और पिक्चर क्लियर नहीं होगा, इसीलिए ये वाला PF को नया वाला लगा के और ये वाला कैपेसिटर को लगा के हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बेस पे एक कैपेसिटर दिया गया है 250 का वोल्ट जो कैपेसिटर है, वो हमारा यहाँ पे भी रास्ट पड़ के वो ख़राब हो गया है, इसीलिए ये वाला कैपेसिटर वो वाला कैपेसिटर चेंज करेंगे और ये वाला PF को भी लगा के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे पिक्चर कैसे आता है।
तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी तरह का नया नया वीडियो लेके आऊँगा मेरा चैनल पे। मेरा व्यूज जो दोस्तों है उसको लिए उसके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दीजिए और इसी तरह के नया नया वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों को पहले मिल जाएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टॉपिक पे आता हूँ और पिक्चर टीवी का फॉल्ट चेक करके हम लोग पिक्चर देख लेंगे। दोस्तों मैंने ये वाला पुराना वाला कैपेसिटर निकल लिया है, इसका नंबर था 4.7 250 वोल्ट का। मैंने ये वाला बड़ा वाला लगाऊंगा, इसीलिए दोस्तों ये जो 4.7 का जो कैपेसिटर था ये दो कैपेसिटर दिया गया था, एक पीसीबी में और एक निक का पीसीबी में दो कैपेसिटर दिया गया था। मैंने एक ही लगाऊंगा 22 का वो 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के हम लोग पिक्चर देखेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे नया वाला कैपेसिटर लगा लिया हूँ और दोस्तों यहाँ पे जो पीएफ प्रॉब्लम था वो पीएफ भी हमारा यहाँ पे सही तरह से लगा लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आप पिक्चर देखेंगे और वोल्टेज चेक करके बताएंगे हमारा क्या प्रॉब्लम था, क्या मिसिंग था वो बताएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा टीवी पे पिक्चर आ गया है, मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था वो हमारा एबी का प्रॉब्लम 200 वोल्ट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, और जो जो वोल्टेज हमारा मिसिंग था वो वोल्टेज चेक करेंगे उसके बाद बताएंगे हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ था, कहाँ से प्रॉब्लम हुआ था। मतलब मेरा दोस्तों जो हमारा 200 वोल्ट मिसिंग था वो हमारा आना चाहिए यहाँ पर, जो हमारा ESD पे निकलता है रेजिस्टेंस होके एक डायोड होके यहाँ पे 200 वोल्ट निकलता है और यहाँ से वायर होके भाया होके निक पे जाता है 200 वोल्ट। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे मीटर पे 200 वोल्ट जो मिसिंग था वो सही से जगह से आ गया है, इसीलिए हमारा पिक्चर सही है और यहाँ पे भी हमारा जो वोल्टेज है 200 वोल्ट आना चाहिए था वो आ गया। मतलब दोस्तों हमारा ये जो फिल्टर है ये फिल्टर मिसिंग होने के कारण, ख़राब होने के कारण हमारा जो 200 वोल्ट तैयार नहीं हो रहा था। मतलब दोस्तों इस तरह का सर जो रिटेस्ट प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर हमारा ESD से 200 वोल्ट जो मिसिंग होता है इसीलिए हमारा ये प्रॉब्लम आता है, और अदर साइड जो जो वोल्टेज होता है वो सही तरह से आता है, इसीलिए हमारा सिस्टम चालू होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।